While having our profound respect for the office and also the incumbent, Pranab Babu, as the President of India, we propose to make comment on his speech because it has been prepared by the UPA government. And my first take is the President's speech cannot be a grocery list of government programs. Budget satra ke aarambh mein राष्ट्रपति द्वारा किया गया अभिभाषण सरकार के कार्यक्रम की श्रृंखला का पैमाना नहीं हो सकता. इट इज मोर इंपॉर्टेंट विच वॉज फाउंड टू बी सैडली लैकिंग. नाइदर डज इट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द कंट्री नॉर द मूड ऑफ द नेशन. इसमें देश की दशा और दिशा दोनों का अभाव है. और सबसे हमें आश्चर्य यह लगा कि एक घंटे से अधिक दिए गए इस भाषण में सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रमों का भी उल्लेख था जो बिल्कुल महत्व के नहीं है. इट कंटेन्ड द लिस्ट ऑफ मेनी अनइम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो ऑफ द गवर्नमेंट. इस पूरे भाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं था. इस पूरे भाषण में भ्रष्टाचार को ईमानदारी से और प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने की रूपरेखा का अभाव था. देयर वॉज नो स्ट्रैटेजी और एजेंडा फॉर कंटेनिंग करप्शन. दिस इंडीड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिफोर एनी बजट सेशन सम मेजर स्कैम इरप्ट्स. That has almost become the order of the day for the UPA government. This was preceded by the helicopter gate. It was very important for the government to assure the nation through the president that the government is very firm, very keen in controlling and containing corruption. Lekin pure bhashan mein bhrashtachar ke bare mein do teen line bhi prabhavi tarike se nahi bataya gaya. कोलगेट के बारे में क्या किया जा रहा है, वहां सीबीआई को कागज नहीं दिए जा रहे हैं. पूरे हेलीकॉप्टर गेट में दो बातें बहुत स्पष्ट हैं. पैसा दिया गया, किकबैक्स, किसने दिया यह भी स्पष्ट है. किसने लिया यही तो मालूम करना है. हु इज द रिसिपियंट ऑफ द किकबैक ऑफ ब्राइब मनी स्लश मनी इज ओनली टू बी इन्वेस्टिगेटेड. तो पूरे भाषण में भ्रष्टाचार के विषय में कोई जिक्र नहीं था. महंगाई के बारे में भी सरकार की रणनीति क्या है इसका कोई जिक्र नहीं था. यह जानना इसलिए भी जरूरी था कि देश एक प्रकार से बजट सेशन का यह अंतिम औपचारिक भाषण है, क्योंकि अगर हम मान के भी चलें कि अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होंगे तो अगला बजट सत्र एक प्रकार से चुनाव के बीच में ही होगा, शायद उसकी घोषणा भी हो गई होगी. तो सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि वो एक ऐसी कार्य योजना को बताते कि हम महंगाई को कैसे कम करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं था. इसलिए लेट मी रिपीट वेयर आई बिगेन, द प्रेसिडेंट स्पीच कैनॉट बी ए ग्रॉसरी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच अनफॉर्चुनेटली इट वॉज. It neither indicated the state of the nation nor the mood of the nation. There was no strategy or agenda as to how Indian economy can be made to look up. Bharat ki arthvyavastha kaise upar dekhe iska bhi koi sanket nahi tha. Baaki iski hum vistar se charcha karenge jab rashtrapati ke abhibhashan par dhanyavad ki behas hogi to hum vistar se charcha karenge.